हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, अपना जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर, उसमें 3 एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। तो हम यहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनर कर रहे थे। ऑलरेडी इलास्ट्रेशन 1 और 2 मैंने करा दिया है, नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। इलास्ट्रेशन 3 करके पेज नंबर 139 पे दिया गया है। अभी तुम काफ़ी सारे बच्चे जो नीचे अगर रीड करेंगे तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पास जर्नल एंट्री। ऑफ किसका पास करना है, खाली हमें गुडविल का ही बनाना है। मतलब इतना सिंपल सम है कि ऐसा सिंपल सम एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। जी हाँ, एग्ज़ाम में ऐसे सम नहीं आते। जस्ट खाली आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए बता दूँ, प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट और क्या करना है, पास जर्नल एंट्री। वो भी किसका, खाली गुडविल का ही एंट्री पास करना है। वो तो सिंपल है, गुडविल आपको दिया ही है बैलेंस शीट असेट साइड में, और गुडविल को रिटर्न ऑफ कर रहे तो गुडविल क्रेडिट में चला जाएगा, डेबिट में पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे। पर यहाँ पर सबसे जो ट्विस्ट जो दिया गया है, यहाँ पर आपको कुछ बोला रहेगा स्टॉक का वैल्यू अंडर वैल्यूड बाई कितना हो रहा है, 10%। तो काफ़ी सारे बच्चे क्या करेंगे, स्टॉक में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। जी नहीं, वो अंडर वो डेप्रिसिएशन नहीं है, वो अंडर वैल्यू दिया है। तो एक फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, स्टॉक, इज इक्वल टू क्या रहेगा, बुक वैल्यू ऑफ असेट्स अपॉन में क्या रहेगा 100 माइनस क्या रहेगा परसेंटेज ऑफ क्या रहेगा अंडर वैल्यूएशन मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा 100 रहेगा। तो यहाँ पर आपको बुक वैल्यू ऑफ असेट्स, मतलब असेट्स का मतलब क्या होगा, ये स्टॉक, मतलब बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, बुक में 54,000 दिया गया है। 100 माइनस क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज ऑफ अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू आपको कितना दिया गया है 10, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100। मतलब ये परसेंटेज ऑफ अंडर वैल्यूएशन कितना दिया गया है आपको, 10 दिया गया। अगर ये आपको 5 दिया रहेगा तो कितना माइनस करूँगा 5, तो ये 54,000 मल्टीप्लाई बाई ये 100 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 आपको हो जाएगा। क्लियर है, 100 में से 10 में 90, तो ये चला गया। तो आपको आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा, 54,000 डिवाइड बाई कितना होगा 9, और 9 सिक्सा कितना होता है 54। तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर आप करोगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ असेट, असेट्स का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉक का वैल्यू मुझे कितना मिला यहाँ पर 60,000 मेरा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। 54,000 डिवाइड बाई 9 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 60,000। और आपको देखो बुक में उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 54, मतलब अभी देखो बुक की वैल्यू बुक में कितनी दी है 54 और अभी कितनी आई 60, तो अपनी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कितने से इंक्रीज हो रही है, 6,000 से क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो मेरा यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, या तो उसको अप्रिसिएशन भी बोल सकते। तो यहाँ पर मैं इंक्रीज़ द वैल्यू ऑफ क्या लिखूँ, यहाँ पर मैं वैल्यू ऑफ क्या लिखूँ, स्टॉक कितने से बढ़ रहा है मेरा। तो यहाँ पर देखो प्रेजेंट वैल्यू कितना है 60,000 और बुक में कितना दिया था मुझे 54,000, तो मेरा असेट्स का वैल्यू कितना हो रहा है 6,000 रुपीज़ से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और 6,000 रुपीज़ से असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, और असेट्स में से लेस करेंगे तो याद करो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, क्योंकि लेस हो रहा था ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो मुझे क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड, या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखो तो भी उसकी कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग दिया गया है आपको जो ये याद रखना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ असेट इज इक्वल टू क्या रहेगा परसेंट बुक वैल्यू ऑफ असेट्स अपॉन में क्या रहेगा 100 माइनस परसेंटेज ऑफ अंडर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट के डाउट आता रहेगा, सर ओवर वैल्यू दिया रहेगा अंडर वैल्यू, ओवर वैल्यू दिया गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है, और जैसा आएगा तो मैं आपको करा दूंगा, ऐसे सम एग्जाम में आएंगे नहीं, ये फॉर्मूले वाले भी सम आएंगे नहीं। जस्ट आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए आप देखिए, और डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट, अभी कुछ नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं बुक में जाके सम सॉल्व करता हूँ। इलास्ट्रेशन 3 क्या बोल रहे हैं, आनंद एंड रोहित आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो क्या दिया गया है 4:1, मतलब 4/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वेयर एज फॉलो दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल दिया गया है, रिजर्व फंड दिया गया है। सबसे पहले एंड में देखो क्या बोल रहे, प्रिपेयर खाली क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, और पास जर्नल एंट्री ऑफ अ गुडविल, गुडविल की क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। और जैसा कि गुडविल आपको असेट साइड पे कितना दिया गया है 90,000 दिया गया है, उसकी खाली क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। अभी आगे क्या बोल रहे, गुडविल इज़ टू बी रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ का मतलब क्या करना है, कैंसिल करना है आफ्टर द एडमिशन। देखो यहाँ पर दे एग्री टू एडमिट क्या हो रहा है यहाँ पर, नाचिकेत फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स, और नाचिकेत एडमिश हो रहा है तो गुडविल को क्या करना है, रिटर्न ऑफ। हमें जर्नल एंट्री किसकी पास करनी है, खाली गुडविल की पास करनी है, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, 1/8 पेटेंट रिटर्न ऑफ बोल रहे, स्टॉक का अंडर वैल्यू जैसा मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन किया वैसा अभी एक और बार करूँगा। डेटर नॉट रिकवरेबल मतलब ये क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट्स हो जाएगा,
क्लियर है, डोंट वरी मैं वन बाय वन आपको सारे कराऊंगा। और नीचे के इंट्रोड्यूस 1,20,000 फॉर अ 2/5 शेयर ऑफर फॉर्म, इसका कुछ एंट्री है नहीं। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, आनंद विड्रॉ 60,000 फॉर इज बिजनेस, इसके भी बारे में हमें कुछ करना नहीं है। मतलब ये दो एंट्री का कुछ इफेक्ट आएगा ही नहीं आपको, हालांकि पूरा सम करते तो इसका इफेक्ट आता था आपको। वेरी फर्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर जैसा मैं आपको बता दूं तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया है और यहाँ पर जर्नल एंट्री बना दिया। ऊपर क्या आ जाएगा, इन द बुक्स ऑफ आनंद रोहित, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नचिकेत आ जाएगा, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट, यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बना दिया, और जैसा मैंने आपको स्टॉक का फॉर्मूला बताया था वो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है। अभी देखो यहाँ पर वेरी फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर द एडमिशन ऑफ, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, नचिकेत, गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है। तो यहाँ पर जिस दिन को एडमिट हो रहा है, यहाँ पर कुछ डेट दिया नहीं गया, तो मैं क्या लिखूँ, 31 मार्च 2000 क्या लिखूँगा, 18 ही लिखूँगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2018 यहाँ पर क्या लिखूँ, 31 मार्च मैं लिख दूँ, क्लियर है। गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है, तो गुडविल 90,000 कहाँ चला जाएगा मेरे लिए, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पर तो ऊपर से चार लाइन में क्या करूँ, छोड़ दूँ, और क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि गुडविल असेट्स होता है, अगर असेट्स को कैंसिल करना रहेगा तो कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट में अमाउंट कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। और ये गुडविल कौन से दो पार्टनर में जाएगा, यहाँ पर आनंद और कौन से जाएगा, रोहित में जाएगा। और कौन से रेशो में जाएगा, इसका ओल्ड रेशो। अभी तुम बोलोगे सर सेक्रीफाइस रेशो में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि गुडविल को रिटर्न ऑफ करते हैं, जब भी नया पार्टनर गुडविल कैश लाता है उसको रिटर्न ऑफ करते तभी आ रहा है सेक्रीफाइस रेशो। ये तो खाली गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री आई है, तो यहाँ पर किसका नाम रहेगा, यहाँ पर आनंद का नाम रहेगा, क्लियर है। यहाँ पर आनंद कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, तो यहाँ पर आनंद कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और एक लाइन छोड़ने के बाद किसका लिखूं मैं यहाँ पर, रोहित कैपिटल अकाउंट भी क्या लिखूं यहाँ पर मैं, डेबिट हो जाएगा, क्लियर है। और अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अभी इसका शेयरिंग रेशो देखो कितना दिया था, 4:1, मतलब कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90,000 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम 90,000 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा। अभी 5 से करेंगे तो 5 कितना होगा, 5 नीचे कितना बचेगा, 4, 5 8 40, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 18,000 इसका आ जाएगा। 1 से करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 18, अभी 18,000 इसका है, मल्टीप्लाई बाय कितना करना है मुझे, 4 करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 72,000 मुझे आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर बिल और नरेशन लिखना रहेगा, तो बीन क्या आ जाएगा, गुडविल क्या कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ कर रहे, तो यहाँ पर आ जाएगा बीन गुडविल को क्या कर रहे हैं, मैं रिटर्न ऑफ कर रहे, तो गुडविल क्या आ जाएगा, ये रिटर्न ऑफ, तो यहाँ पर आ जाएगा गुडविल रिटर्न ऑफ। और आगे जैसा वहाँ पर दिया था, आफ्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, आफ्टर एडमिशन ऑफ क्या आ जाएगा, ये पार्टनर आ जाएगा, क्लियर है। बस इतना ही सिंपल, ये एक ही का ही खाली क्या आएगा, जर्नल एंट्री आएगा यहाँ पर। और आगे जैसा आपको दिया है सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा। हालांकि इसमें सेक्रीफाइस रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या बोल रहे हैं, 1/4 इक्विपमेंट टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब इक्विपमेंट को रिटर्न करना है, मतलब इक्विपमेंट में लेस करेंगे तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, इक्विपमेंट क्या करूँ मैं लिख दूँ, और कितना लेस करना है, 1/4। तो इक्विपमेंट का वैल्यू कितना दिया गया है बुक में, यहाँ पर 45,000 दिया गया है, तो 45,000 का मल्टीप्लाई बाय कितना बोल रहे, 1/4 बोल रहे, क्लियर है। तो 45,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर आपको आ जाएगा करीब 11,020, मतलब 11,250। खाली करना कुछ नहीं, 4 1 4 हो जाएगा, 4 1 1 वापिस से 1 बचा, 4 2 फिर 5 से हो जाएगा, क्लियर। एकदम वेरी वेरी सिंपली डिवाइड करना है, उसमें कुछ टफ नहीं है। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, स्टॉक इज टू बी अंडर वैल्यूड बाई 10% एज टू बी एडजस्टेड प्रॉपरली, मतलब यहाँ पर क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया है, उसको एडजस्ट किससे करो, प्रॉपरली करो। तो आप सभी को जैसा मैंने फॉर्मूला बताया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स का मतलब क्या रहेगा, स्टॉक, बुक वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स का मतलब क्या रहेगा यहाँ पर, स्टॉक, मतलब बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक अपॉन क्या रहेगा, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ क्या लिखा है यहाँ पर, अंडर वैल्यू। जैसा आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक का यहाँ पर बुक वैल्यू कितना दिया गया है, 54,000 दिया गया, तो बुक वैल्यू कितना आया, 54,000। और यहाँ पर क्या रहेगा, 100 माइनस, देखो परसेंटेज ऑफ अंडर वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पर अंडर वैल्यूड कितना दिया गया है, 10%, तो यहाँ से क्या होगा, 10 माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100। अगर ये आप आगे सॉल्व करोगे तो इसका आपको कुछ इस प्रकार से आएगा, 54,000 अपॉन में क्या आएगा, ये 100 में से 10 गया तो आंसर कितना आएगा, 90। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, 0 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना आएगा,
5 0 0, 4 0, 1 2 3 और ये 4 0, मतलब 5,40,000 डिवाइड बाई कितना होगा 9। अगर करेंगे तो 5 6 कितना होता है, ये 6 आ जाएगा और कितना 0 बचा, 4 0 बचा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ स्टॉक, असेट्स का मतलब क्या रहेगा, ये स्टॉक का वैल्यू कितना आया 60,000 आया, और बुक में उसका वैल्यू कितना दिया था मुझे 54,000 बुक में, मतलब असेट्स का वैल्यू, स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है मेरे लिए, क्योंकि अभी फिलहाल कितना हो गया 60। हालांकि तुम बोलोगे सर ये प्रेजेंट वैल्यू है समझा नहीं, डोंट वरी, एग्जाम में आएगा नहीं। हालांकि आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जब भी अंडर वैल्यू आए तो आपको ये फॉर्मूला बुक वैल्यू ऑफ असेट्स 100 माइनस परसेंटेज ऑफ क्या रहेगा अंडर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 करेगी, तो अंडर वैल्यू आए तो अपना असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, अगर ओवर वैल्यू आए तो कम हो रहा है। क्लियर, अंडर वैल्यू का मतलब देखो, अंडर वैल्यू आया तो अपना असेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर सेम एज यहाँ पर ओवर वैल्यू रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होता, कम होता। तो 60,000 आया तो ये मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर क्या लिख दूँ, बाय क्या लिख दूँ यहाँ पर, स्टॉक। अभी देखना चाहे तो बुक में स्टॉक का वैल्यू कितना दिया था, अभी कितना आया 60,000 और बुक में कितना दिया था 54,000, मैं क्या करूँ माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 6,000 रुपीज़ मुझे क्या आ जाएगा, स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे, डेटर ऑफ 1,800 नॉट रिकवरेबल, मतलब ये क्या हुआ मेरे लिए, बैड डेब्ट्स हुआ, या तो आप चाहो तो इसे RDD भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैड डेब्ट्स, लिखता हूँ बैड डेब्ट्स, अभी आपको स्लैश करके लिखना है तो आप RDD भी लिख सकते हो। कितना पैसा नहीं मिलेगा, 1,800 रुपीज़ मिलेगा नहीं, तो ये मेरे लिए क्या होगा, क्लियरली बैड डेब्ट्स हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, नीचे के क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वी इंट्रोड्यूस, इसका तो कोई एंट्री आएगा क्योंकि पैसा ला रहा है, तो इसका तो कुछ यहाँ पर रिवैल्यूएशन में कुछ इसका आता नहीं है। सेम एज़ ये आनंद विड्रॉ कर रहे तो उसका भी कोई यहाँ पर एंट्री आता नहीं। अभी बारी आई इसको टैली करने की, देखो कौन सा साइड ज़्यादा लग रहा है, यही साइड मुझे क्या लग रहा है ज़्यादा। तो इसका अगर टोटल मैं करूँ यहाँ पर, तो ये दोनों का टोटल करेंगे तो आपको आंसर आएगा करीब 13,050 रुपीज़ मुझे आंसर आएगा। तो सेम ये टोटल यहाँ पर भी आ जाएगा 13,050, माइनस कितना करना है 6,000 मुझे माइनस करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 7,050 रुपीज़ मुझे आंसर आएगा। और ये कहाँ जाएगा मेरे लिए, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये मुझे क्या हुआ, लॉस, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, एक्सपेंस साइड मेरे लिए ज़्यादा है तो मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो लॉस ऑन क्या है, ये रीवैल्यूएशन, लॉस ऑन क्या आ जाएगा, ये रीवैल्यूएशन आ जाएगा। और ये दो कौन से पार्टनर में जाएगा, यहाँ पर आनंद में जाएगा, और अपने पास दो पार्टनर कौन है यहाँ पर, आनंद। तो यहाँ पर आनंद एक लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखूँ यहाँ पर, मैं रोहित क्या करूँ लिख दूँ, क्लियर है। और कौन से रेशो में जाएगा, 7050, और रेशो क्या दिया है 4:1, मतलब 4/5, और यहाँ पर रोहित में कितना चला जाएगा, यहाँ पर 7050 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय मल्टी डिवाइड बाय 5 करो 7050 और मल्टीप्लाई बाय कितना करो 4 करो, तो आपको आंसर आ जाएगा करीब आनंद में आ जाएगा 5640 आ जाएगा। और इसका आंसर करोगे तो आपको आंसर आएगा 1410 आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है। बस इतना ही सम था, हालांकि तुम इसको तो डिवाइड कर ही सकते हो ना, 7050 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5 करोगे तो सेम ही आपको आंसर आएगा। मैं एक्सपेक्ट करूँगा वीडियो आपको समझ में आ करेगा, खाली स्टॉक का थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग पार्ट दिया है, बस आपको ये समझ में आ गया तो कुछ नहीं है। और गुडविल का तो एक ही एंट्री आपको दिया गया बस, हालांकि कुछ इसमें कुछ है नहीं, और बुक में आप देखोगे तो सेम टू सेम कुछ इस प्रकार से ही दिया गया है, जस्ट आपको खाली स्टॉक का समझा नहीं रहेगा, वो मैंने समझा दिया। तो चलो माय डियर स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।